जैतपुरा के पास अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी। बस में सवार दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल। कजोई गांव के पास स्थित APJ अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की मिनी बस फलसूंड से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। इस दौरान अचानक जैतपुरा फांडा के पास मोड़ में संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस पलटी खा गई। बस की गति इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में करीब 30-40 बच्चे सवार थे, जिनमें से करीब दो दर्जन बच्चे घायल हो गए। उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल लाया गया, साथ ही गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर रहे हैं। सूचना मिलने पर फलसूंड पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। टाइम 8 राजस्थान के लिए पोकरण से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। जैतपुरा के पास अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी। बस में सवार दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल। कजोई गांव के पास स्थित APJ अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की मिनी बस फलसूंड से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। इस दौरान अचानक जैतपुरा फांडा के पास मोड़ में संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस पलटी खा गई। बस की गति इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में करीब 30-40 बच्चे सवार थे, जिनमें से करीब दो दर्जन बच्चे घायल हो गए। उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल लाया गया, साथ ही गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर रहे हैं। सूचना मिलने पर फलसूंड पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। टाइम 8 राजस्थान के लिए पोकरण से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। जैतपुरा के पास अनियंत्रित होकर स्कूल बस पलटी। बस में सवार दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दो दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल। कजोई गांव के पास स्थित APJ अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की मिनी बस फलसूंड से बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। इस दौरान अचानक जैतपुरा फांडा के पास मोड़ में संतुलन बिगड़ जाने के कारण बस पलटी खा गई। बस की गति इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दो बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बस में करीब 30-40 बच्चे सवार थे, जिनमें से करीब दो दर्जन बच्चे घायल हो गए। उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल लाया गया, साथ ही गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर रहे हैं। सूचना मिलने पर फलसूंड पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। टाइम 8 राजस्थान के लिए पोकरण से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।